ख्वाब, ख्वाब तो हर कोई देखता है और खासकर हम ख्वाब रात को देखते हैं, पर दोस्तों ख्वाब जो दिन में देखते हैं, जिसके साथ वो जीते हैं, उन ख्वाबों के साथ जो जीते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं, वही कामयाब होते हैं। हाय गाइस, दिस इज वांसी बजाज, योर कोच, योर मेंटर। आज मैं आपके ख्वाबों को पूरे करने के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, एंड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने इसके 14 गोल्डन रूल्स के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बना रखी है, एंड उस वीडियो में आपके पास सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद एसएससी सीजीएल के 5 ईयर्स के, 5 साल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ। इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का निचोड़ है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं इसमें बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें जो आपका वर्ब है वो सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए, उनकी रजामंदी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखें, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपका जो एक क्वेश्चन है वो सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलना चाहती हूँ आई लिव इन मुंबई। अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, आई लिव आपका एक सेगमेंट हो गया, इन मुंबई आपका दूसरा सेगमेंट हो गया। आई लिव इन मुंबई एंड आई डू माई जॉब, तो एंड आई डू आपका थर्ड पार्ट हो गया, माई जॉब आपका फोर्थ पार्ट हो गया। तो मैंने एक ही सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। देन आपको बताना है कौन से वाले सेगमेंट में एरर है, कौन से वाले सेगमेंट में मिस्टेक है। तो आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सेगमेंट 1 ए, सेगमेंट बी बी। तो ये पार्ट्स हैं पूरे सेंटेंस का। फर्स्ट पार्ट है उसको ए ऑप्शन दे दिया, उसके सेकेंड पार्ट को बी ऑप्शन दे दिया, उसके नेक्स्ट पार्ट को सी, एंड लास्ट वाले पार्ट में कई बार हम डी को ना कोई पार्ट होता है या तो हम नो एरर लिखते हैं। अगर आपको लगता है जो आपके पास सेंटेंस दिया गया है उसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो डी ऑप्शन होता है नो एरर का, वो हम टिक कर देते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एग्जाम्पल से आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। आई विल बी रीडिंग क्वेश्चन फॉर यू। सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपके पास एक सेंटेंस दे रखा है, उसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है और किसी एक सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है, एक गलती है, ठीक है। इफ देयर इज नो एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। और अगर आपको लगता है इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है तो आप नो एरर पर टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन इंग्लिश। नाउ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब एक से ज्यादा है ना, जितने में लेट्स से 60 का हाफ 30 है, 100 का हाफ 50 है, 50 का हाफ 25 है। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ये प्लूरल है आपका, अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। हैव हमें पता है हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, ठीक है। तो और एक्सेप्शन क्या होता है, आई एंड यू, ये होते सिंगुलर है बट इनके साथ आता हैव है, ये आपके एक्सेप्शन है। बट यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए आंसर है हमारा, ए। चलिए नेक्स्ट, योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी एंड पर्सपेक्टिव। तो आपकी जो सक्सेस है, योर सक्सेस, ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। और आपको मैंने एक ये चीज़ गोल्डन रूल्स में बता रखी है, यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर अगर आपको कोई भी रूल क्लियर नहीं है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और ये वाले प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था अगर आपका सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ एस या ई एस है तो वो प्लूरल माना जाता है, करेक्ट। बेंचेस, चेयर्स, टीचर्स, चॉकलेट्स, तो ये सब क्या है, प्लूरल नाउन। बट अगर वर्ब को हमें, अगर हमारे वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। हाँ जी गाइज, ये उल्टा है, वैसा वर्षा है, ठीक है। अगर मैं वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देती हूँ तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर योर सक्सेस, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, डिपेंड, तो ये तो प्लूरल है, इसके साथ तो एस और ई एस नहीं लगा हुआ, तो बस हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, एस, डिपेंड्स, और ये हो गया हमारा प्लूरल से सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, बी, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडियंस हैज टेकन देयर सीट। ऑडियंस, ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं, ऑडियंस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होगा, प्लूरल, हैज की जगह क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, इट इज सिग्निफिकेंट दैट इंडिया हैव नॉट लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड मतलब वो पीछे नहीं है, लैग्ड मतलब इंडिया भी पीछे, पीछे नहीं है, नॉट एनी अदर कंट्री इंश्योरिंग दैट फ्रंट लाइन पर्सनल स्टैंड टू गेट वैक्सीनेटेड। भाई हमारे इंडिया ने भी पूरी जान लगा दी है, इतने करोड़ों के पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देना कोरोना वायरस के टाइम पे इजी नहीं था, बट यस आवर गवर्नमेंट हैज डन इट एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। तो कहते हैं इंडिया, इट इज सिग्निफिकेंट दैट इंडिया, अब इंडिया क्या है हमारा सब्जेक्ट और वो क्या है सिंगुलर, ठीक है। इंडिया क्या है हमारा सब्जेक्ट है और वो क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर, has, तो क्या आएगा हमारा आंसर, has, तो मेरा कौन सा ऑप्शन है ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। चलिए नेक्स्ट, देर आर इनफ राइस सो आई cannot मेक पुलाव। मेरे पास यू नो इनफ मीन्स राइस काफी नहीं है, इतने चावल नहीं है कि मैं पुलाव बना सकूं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इनफ और राइस, अब राइस क्या है अनकाउंटेबल नाउन, राइस क्या है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर आर है जो कि है रॉन्ग, ठीक है, उसकी जगह क्या आना चाहिए इज, तो गलती कहाँ पर हो रही है, नंबर टू में। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, ध्यान से देखे, मैं तभी बोलती हूँ वीडियो के एंड तक बने रहें, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको टिप्स मिलती रहेंगी जिससे आप क्वेश्चन को और बेटर वे में समझ सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी कर सकते हैं। नाउ आपके पास इसमें सेगमेंट्स दे रखे हैं और ऑप्शन में आपको सेगमेंट्स दे रखे हैं, आपको बता रहे हैं कौन से वाले सेगमेंट में गलती है, तो इसमें हमारे पास सेकेंड वाला जो सेगमेंट है देयर आर, इसके अंदर गलती है, होना क्या चाहिए देयर इज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड इन द टीम हैव रिफ्यूज्ड टू जॉइन इट। अब वन ऑफ द प्लेयर्स, जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा वन ऑफ द, मैं फिर से बोल रही हूं, अगर कभी भी क्वेश्चन में आएगा वन ऑफ द, तो इसके आगे जो भी नाउन यूज होना चाहिए वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए प्लूरल, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स में से मैं एक की बात कर रही हूँ, वन ऑफ द सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स में से मैं एक सिंगर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वन ऑफ द प्लेयर्स, मैं एक की बात कर रही हूँ ना, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर,
has. तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी में मिस्टेक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी. नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस आर्टिकल आर एम्पैथी. देखो द सम एज द एंड द सब्सटेंस मीन्स इसका जो भी रिजल्ट है. हम कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, होती तो वो दो चीजें बट वो एक में काउंट होती है ना, आई ईट ब्रेड एंड बटर, सो दैट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट. तो द सम एंड सब्सटेंस ये भी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसके साथ आपका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर. तो आंसर क्या हो गया? सी, ऑप्शन नंबर वन. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी. नाउ थॉमस अपने वर्ड्स का पक्का है और वो कभी भी जो उसने उधार लिया होता है पैसा उसको इंस्टॉलमेंट में जरूर चुकाता है. तो थॉमस इज अ मैन. अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? थॉमस. हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? थॉमस. सो थॉमस सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तुम्हारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर. हैज. तुम्हारी गलती कौन से फ्रेगमेंट में है? हु हैव बीन की जगह क्या होना चाहिए? हु हैज बीन. तो ये हमारी हो गया आंसर नंबर वन. नेक्स्ट, ओ डियर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल. तो जो एक चैनल है ठीक है वो क्लियर नहीं है, बट वो क्या बोल रहा है? वन ऑफ द चैनल. ये तो रॉन्ग हो गया ना. मैंने जस्ट बताया हम बहुत सारे चैनल में से एक चैनल की बात कर रहे हैं, तो चैनल थोड़ी होगा, क्या होगा? चैनल्स. तो वन ऑफ द चैनल्स, तो गलती कहां पर हो रही है? नंबर वन में. करेक्ट. नेक्स्ट, एवरीबडी नो दैट हिज फेलियर कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस. अब एवरीबडी, एवरीबडी आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट. ये क्या आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट. तो इसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर. ठीक है, और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसके अंदर एस या ई एस एड ऑन करूं. तो नो की जगह क्या हो जाएगा? नोस. तो हमारा जो नंबर फोर है इसके अंदर गलती है. आंसर हो गया नंबर फोर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजंस. बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सारे रीजंस में से मैं एक रीजन की बात कर रही हूँ. सो वन ऑफ द रीजंस बिल्कुल ठीक दे रखा है. फॉर टेकिंग दीज स्टेप्स हाउ एवर, बट मैं एक ही रीजन की बात कर रही हूँ ना, तो वर कैसे आ सकता है? क्या आना चाहिए? वॉज. बाकी भी पढ़ूंगी नहीं. मैंने कहा ना छोटी छोटी टिप्स हैं, उनको यूज़ करें, ये ट्रिक्स को यूज़ करें और अपना टाइम भी सेव करना है, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिट होती है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. तो कुछ चीज़ें जब आप इसकी प्रैक्टिस करने पर आएंगे ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन कहीं पर रीड करने की भी जरूरत नहीं है. आपको बस देखना है सब्जेक्ट, उसका वर्ब, टेक कर एंड दैट्स इट. बट ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों के लिए. राइट. चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया है यहाँ पर? नंबर फोर. इस वाले सेगमेंट में हमारी गलती है. नेक्स्ट, Either Liv or her juniors is to be called in case of issues relating to human resources. कहते हैं या तो Liv को बुलाओ या तो उसके juniors को बुलाओ. अगर कोई भी human resources से दिक्कत है, इन दोनों में से किसी को आप बुला सकते हो. अब आप एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक और टिप है जो आपको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेनी है. इससे गलती कभी भी नहीं होगी. देखिए, कभी भी होगा आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है ईदर से. ईदर आपका पहले आता है फर्स्ट सब्जेक्ट, और आपको पता है ईदर के साथ हम और यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड सब्जेक्ट. अब ये ट्रिक को ध्यान से देखिए, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको हमने इग्नोर करना है, वो कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें सेकेंड सब्जेक्ट को कंसिडर करना है. अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल लेंगे. अब इसमें मेरा जो सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? जूनियर्स. ये क्या है? प्लूरल. तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल. इज नहीं होगा, क्या होगा? आर. सिंपल है. तो कोई भी सेंटेंस अगर इधर और से कनेक्टेड है तो उसके जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है उसको कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब को यूज करेंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए. ए में गलती है. नेक्स्ट, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव
वही आगे पढ़े मत ना, एवरी बॉय, जहां वर्ड एवरी आ गया वो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज, हैव नहीं आएगा। तुम्हारा आंसर है फर्स्ट ए पार्ट। नेक्स्ट, देर आर स्टिल अ डिस्ट्रेसिंगली लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू जापानीज इंसेफेलाइटिस इन न्यू बॉर्न बेबीज। अब कहते हैं देर आर स्टिल, अब बहुत सारे जनरली बच्चे बोलते हैं मैम देर इज स्टिल, बट आगे भी पढ़ो ना सब्जेक्ट क्या है, लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, तो डेथ्स क्या है यहाँ पर, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है, तो आपका वर्ब भी क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, भाई वाटर क्या है, वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन, वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ क्या आएगा, इस आगे नहीं भी पढ़ेंगे, मैंने कहा ना टाइम सेव करना है, आपकी जितनी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, आप उतना ही टाइम सेव कर सकते हैं, हमारे तो वहाँ 30-30 seconds मैटर करते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। द कमिटी विच लुक्स आफ्टर फूड सेफ्टी हैव आस्क्ड FSSAI टू टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। भाई कमेटी क्या है, कमेटी क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज, ठीक है। तो हमारा बेसिकली गड़बड़ है बी पार्ट में, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इंडिया अलोंग विद रशिया, देखो आपके पास जहां पर वर्ड्स आए ना अलोंग, ये जो फ्रेजेस होते हैं अलोंग विद, ध्यान से देखें इनको, वीडियो को एंड तक तभी बोलती हूँ, ध्यान ध्यान से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, सिर्फ इनको भी सुन लेंगे ना ध्यान से, तो हाफ से ज्यादा मतलब 75% आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिनिश हो जाएगा। तो अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अगर ये कोई भी फ्रेज यूज होता है तो आपका वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर काउंट होता है, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आर नहीं हो सकता, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो इस गलती है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैरट्स आर डिक्लाइनिंग एवरी ईयर, भाई नंबर ऑफ पैरट्स कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइन मीन्स कम होना, डिक्लाइन मीन्स कम होना, इट पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द इकोसिस्टम, ये तो इकोसिस्टम के लिए खतरे वाली बात है, थ्रेट मीन्स खतरा, थ्रेट मीन्स खतरा। अब एक और बात, एक और ट्रिक है, द नंबर ऑफ, अगर कहीं भी लिखा हो ना द नंबर ऑफ, और आगे इसके कोई भी नाउन हो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, कब, जब हो द नंबर ऑफ, तो इसके आगे है आर, बिना सोचे समझे इस लगा दे, बिकॉज ये एक टेक्निक है, रजिस्टर कर लें, जहां लिखा होगा द नंबर ऑफ उसके साथ सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आंसर तो मार्क कर लें, ये हमारा ए है, ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइट्स, फिर से आ गया ना द नंबर ऑफ लाइट्स, जहां पर भी आएगा द नंबर ऑफ और आगे कोई भी नाउन हो उसके आगे हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ये क्या है हमारा पार्ट नंबर सी, ठीक है जी। एन 8-year-old गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग, एक 8 साल की बच्ची ने बहुत ही ब्यूटिफुल पेंटिंग बनाई है। देखो जब भी हम बोलते हैं ना 8-year, 9-year, तो ईयर्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अ 9-year बॉय, an 8-year girl, whatever, boy है, girl है, ठीक है, तो आप ear यूज करेंगे, ears नहीं यूज करेंगे, तो गलती कहां पर हो रही है, पार्ट नंबर टू पे, सो आंसर इज ऑप्शन टू। डेविड
एज वेल एज हिज वाइफ, मैंने बताया एज वेल एज हो, इन एडिशन हो, इन एडिशन टू हो, या फिर हो अलोंग विद, जहाँ पर ये फ्रेज यूज होंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया सिंगुलर, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है एज वेल एज, तो ये आपका सब्जेक्ट क्या हो गया सिंगुलर, तो इज नहीं होगा, इज ही होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है. डेविड एज वेल एज हिज वाइफ इज गोइंग टू थाईलैंड फॉर हिज ट्रीटमेंट, तो बेसिकली इसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आंसर हो गया डी. द नेबरहुड, भाई नेबरहुड वर कैसे हो सकता है, आगे मैं पढ़ती भी नहीं हूँ. नेबरहुड होते हैं पड़ोस में, ठीक है, जो पड़ोस के लोग हैं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हमारा वर्ब भी क्या हो गया सिंगुलर, दैट इज वाज. तो गलती कहां पर हो रही है, नंबर वन. तुम्हारा आंसर क्या हो गया नंबर वन. नेक्स्ट, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. गार्लैंड क्या होती है वरमाला. गार्लैंड क्या होती है वरमाला, जो दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को, जो दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं उसको बोलते हैं गार्लैंड. और आपको पता है वो किससे बना होता है, फ्लावर से, बहुत सारे फूलों से यू नो बना होता है गार्लैंड. अब अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स वर, भाई गार्लैंड तो एक है, सब्जेक्ट क्या है आपका सिंगुलर, तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए सिंगुलर, वॉज होना चाहिए. तो गलती कहाँ हो रही है बी पार्ट में. आगे नहीं भी पढ़ेंगे हम, क्यों पढ़े, हमें अपना टाइम सेव करना है ना, यही तो मानसी मैम सिखा रही है कि टाइम सेव करो. नेक्स्ट, द बिलोंगिंग्स ऑफ द पेरेंट्स वॉज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन. अब बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स क्या होती हैं, जो भी आपका पूरा सामान है, जो चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स ना रहने पर आपको मिलती हैं, ठीक है, तो वो होती है उनकी बिलोंगिंग्स, ठीक है, तो बिलोंगिंग्स इस टाइम आपका क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है इस टाइम प्लूरल, तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए प्लूरल वर, तो गलती कहाँ हो रही है पार्ट सी में, ठीक है. इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, जो आपको अपने पेरेंट्स से जो कोई चीज़ मिलती है, अब सिर्फ पैसा नहीं मिलता, आपकी आदतें, हम कहते हैं ना इसकी फेस अपने फादर या मदर से रिजेंबल करता है, तो ये जीन्स हैं जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है. हम जैसे हम बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बोलने का तरीका, चलने का तरीका काफ़ी सिमिलर है, तो वो इनहेरिटेंस बेसिकली होता है, वो इनहेरिट करते हैं ऐसी आदतें, राइट. नाउ द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज, फिर ये बात आ गया, ये वाला फ्रेज आ गया, जब भी एज वेल एज आ गया तो हमारा जो सब्जेक्ट हो गया द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द होल कैबिनेट, ये आपका सब्जेक्ट क्या हो गया सिंगुलर, तो वर तो हो ही नहीं सकता, क्या होना चाहिए वाज. तो बेसिकली हमारी है बी पार्ट में मिस्टेक, आगे नहीं पढ़ेंगे चलेगा, बिकॉज हमारे हमें अपना आंसर मिलने, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें. नेक्स्ट, टेलीविजन व्यूअर्स क्लेम दैट द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग एल्कोहल कंजम्पशन हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट डेकेड. देखो डेकेड होता है 10 साल, 10 सालों में जो टेलीविजन व्यूअर्स हैं वो ये बताते हैं कि जितने भी सीन्स हैं उनमें जैसे अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है, ऐसे वाले सीन्स की जो बेसिकली नंबर है वो बहुत बढ़ चुका है. बट अगेन इसमें क्या है द नंबर ऑफ सीन्स, मैंने बताया जब भी द नंबर आगे कोई भी नाउन होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. सो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा हैज. तो ये कौन सा मिस्टेक है हमारा, सेगमेंट नंबर सी का मिस्टेक है, दैट्स ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एग्रीज दैट द फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स द एल्डरली एंड दोज विद अंडरलाइंग कंडीशन शुड बी द फर्स्ट रिसेप्टेंस ऑफ द वैक्सीन. अब मोस्ट कंट्रीज देखो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है बेसिकली प्लूरल, तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए, बट वर्ब प्लूरल तब होता है वर्ब, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, वर्ब प्लूरल तब होता है जिसमें एस या ई एस नहीं होता, इसमें तो है ना, तो इसका एस एंड ई एस हटा देंगे और इसके वर्ब को
प्लूरल कर देंगे, एग्री कर देंगे। तो हमारा ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे क्यों टाइम वेस्ट करें। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन विच वर्कर्स हैव गॉट मेम्ड। देखो मेम्ड का मतलब होता है अपंग। जब भी ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसमें लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर जाएं, कट जाएं, तो उसको बोलते हैं मेम्ड। ठीक है। इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर आर मोर देन द नंबर ऑफ इंजरीज। भाई वो होते ज़्यादा हैं, रिपोर्ट उसकी कम आती है मीडिया के अंदर। तो इसके अंदर गलती कहाँ पर है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन विच वर्कर्स हैव गॉट मेम्ड इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर आप, फिर से आता है द ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो यहाँ आर की जगह क्या आएगा यस। ठीक है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, ये बी। Now next, not only diabetes but other diseases also is major cause of blindness and kidney failure. अब not only but also, ये आपका conjunction है, not only but also, ठीक है। Not only diabetes but other diseases also is major cause of blindness and kidney failure. इसमें आप लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करें, आपको क्या लगता है इसमें मिस्टेक हो सकती है। अब इसका आंसर होगा बेसिकली, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो इसके साथ, अब हमारे पास यहाँ पर अगेन दो सब्जेक्ट्स हैं, नॉट ओनली के बाद है डायबिटीज, बट के बाद है अदर डिजीजेस। मैंने बताया था इधर और में भी हम सेकेंड वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी हम सेकेंड वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे डिजीजेस। ये मेरा सेकेंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट है और ये क्या है प्लूरल, तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, इस वाले में गलती है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ बुक्स हैव बीन प्रेजेंटेड ऑन माय बर्थडे। नाउ अ सेट ऑफ बुक्स, अब बुक का तो एक ही सेट है ना, जब एक सेट की बात हो रही है तो आपका जो सब्जेक्ट के साथ आपका जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर ही होगा, ये सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होगा, उसके साथ क्या आ गया हैज। ठीक है, तो हमारा आंसर है ए, ए नहीं है सॉरी बी, बी बी आंसर है हमारा बी, सेकंड नंबर। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ 25 इयर्स हैव बीन पास्ड एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब। मतलब 25 साल हो चुके हैं और अभी भी वो विदाउट जॉब है, अभी भी उसको जॉब नहीं मिली है। ठीक है, सो द पीरियड, अब हम पीरियड को सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं। ठीक है, कितना पीरियड हो गया है, सो अब हमारा जो पीरियड है वो सब्जेक्ट है और वो क्या है सिंगुलर है, तो हैव नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर। मैंने कहा ना इन दोनों की रजामंदी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है उसके साथ क्या वर्ब यूज करेंगे एंड कहानी खत्म, क्वेश्चन डन। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया बी पार्ट सेकंड। रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट सच फिनोमिना हैज नेवर बीन सीन बिफोर। नाउ रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट, अब आपका सब्जेक्ट क्या है रिसर्चर्स, वो क्या है आपका प्लूरल, तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए प्लूरल, बस बात खत्म। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, ऑप्शन नंबर टू। गलती पता क्या होती है, कई बार बच्चे होते हैं वो सी लिखाते हैं, भाई सी नहीं है, आंसर है टू, टू को अच्छे से टिक करना है। ठीक है, क्योंकि उनको एबीसीडी की आदत होती है ना, ऑप्शन की आदत नहीं होती है कई बार, तो क्वेश्चन देखकर आप उसका आंसर टिक करना, राइट। Now the Himalayan brown bear is one of the largest carnivores in the highlands of Himalayas. आप कहते हैं जो अब ये bear होता है, bear नहीं होता first of all, okay? अब the Himalayan brown bear, अब हम बहुत सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है? Carnivores, carnivores कौन से होते हैं जो flesh खाते हैं, ठीक है? जो skin खाते हैं किसी और other animal की, so the हिमालयन ब्राउन बेयर इज नहीं होगा, आर होगा, बिकॉज यहाँ पर है कार्निवोर्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर टू।
द कंपनी हैव, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. कंपनी क्या है? सब्जेक्ट. द कंपनी ये आपका सब्जेक्ट है और ये है सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी क्यों होना चाहिए सिंगुलर. हैज की जगह क्या आना चाहिए? ओ हैव की जगह क्या आना चाहिए? हैज. सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन, द कंपनी हैज ऑल्सो एडेड. करेक्ट. नेक्स्ट, ईच मैन एंड ईच वुमन नीड टू फॉलो द न्यू गाइडलाइंस इश्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अब ईच मैन एंड ईच वुमन ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर. और सिंगुलर वर्ब तब बनता है, सिंगुलर वर्ब तब बनता है जब इसके साथ एस या ई एस हो. तो नीड की जगह क्या हो जाएगा? नीड्स. ठीक है, बिकॉज ये क्या है? सिंगुलर. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट, सो इंश्योरिंग सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन ऑफ एवरी चाइल्ड स्पेशली गर्ल्स इन रूरल एरियाज हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट एंड नीड्स. देखो, इंश्योरिंग सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन, इसमें हम इंश्योर, इंश्योर मीन्स गारंटी देना कि सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन, अगर किसी बच्चे का सेकेंडरी स्कूल ख़त्म होता है, ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर ऑफ एवरी चाइल्ड. ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? वर्ब के साथ एस या ई एस, नीड्स. ठीक है, दिस इज सिंगुलर, दिस शुड बी सिंगुलर. सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर थ्री. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, आई एम स्टेइंग एट दिस होटल फॉर अ ग्रेट मैनी रीजन. अब आई एम स्टेइंग एट दिस होटल फॉर अ ग्रेट मैनी. अब मैनी है तो रीजन्स बेसिकली होना चाहिए. अब मैनी है, मैनी के आगे क्या आएगा? रीजन्स. ठीक है, कभी भी मैनी वर्ड होता है, देखो मैनी क्या होता है? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन. कभी भी आप मैनी यूज़ करोगे तो मैनी हमेशा आप काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ करते हो. ठीक है, और मच यूज़ करते हो आप अनकाउंटेबल नाउन के आगे. अब मैनी चॉकलेट्स, मैनी पीपल, मैनी पीपल, मैनी स्वीट्स, मैनी गर्ल्स, मच शुगर, मच मिल्क, मच राइस. सो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ये होते हैं काउंटेबल नाउन. तो अगर मैनी है, मैनी के आगे हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो रीजंस नहीं होगा, क्या होगा? रीजंस. सो आपका ऑप्शन है ओनली सी. ठीक है, सी. द हर्ड ऑफ शीप आर क्रॉसिंग द रोड सो बी केयरफुल. द हर्ड ऑफ शीप, गाइस द हर्ड ऑफ शीप, हर्ड क्या है? एक ही है. हर्ड क्या होता है? झुंड. ठीक है, भेड़ों का जो एक झुंड है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर, इज क्रॉसिंग. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ओनली बी. ओनली बी में ही आपकी ग्रामेटिकल एरर है. नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स. देखो, नॉट ओनली और आ गया बट. आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है डॉग्स और आपका सेकेंड सब्जेक्ट है कैट्स. अब मैंने आपको बताया फर्स्ट सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर देंगे एंड सेकेंड सब्जेक्ट को आप कंसिडर करेंगे. अब आपका सेकेंड सब्जेक्ट है कैट्स, तो उसके साथ क्या आना चाहिए? आर. इज नहीं आएगा. सिंपल है, जब भी हो ईदर और, ईदर और या नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो जब हो ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको इग्नोर कर देंगे और जो आपके इसके बाद सेकेंड वाला सब्जेक्ट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे. बस अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. फिर से आ गया नॉट ओनली डॉग्स बट. अच्छा, ये तो सेम हो गया. अच्छा, वी हैव टू स्किप दिस. नाउ
Seldom has the discoveries of the world's greatest discoveries like Copernicus or Galileo been forgotten. अब हमारा इसमें subject क्या है? Discoveries. ठीक है, अगर subject है discoveries तो आपका जो verb होगा वो has थोड़ी होगा, वो have होगा, because have आता है plural के साथ. Correct? चलिए next. The flood situation in the eastern region of the country remained grim for the fifth day today. अब the flood situation, जो situation है flood की, ये हमारा क्या है? Subject. The flood. Okay? अब हमारा subject क्या है? Singular. तो आपका जो verb होगा वो भी तो singular होना चाहिए. तो remain नहीं होगा ना, अगर आपको subject को singular, verb को singular करना है तो उसके साथ s या es add करना ज़रूरी है. तो remains. ठीक है जी. सो आंसर इज बी. हाउ मैनी डज क्रिकेट बैट कॉस्ट? देखो आप उससे पैसे पूछ रहे हो, पैसे अनकाउंटेबल ना होने, नोट्स होते हैं काउंटेबल, तो हाउ मैनी नहीं होता, हाउ मच. हाउ मच डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट? तो मैनी की जगह क्या आएगा? मच. तो आंसर हो गया आपका ए वाला पार्ट. नेक्स्ट. There was many. अरे many है ना, तो there was कैसे हो सकता है? There were many people who voted for him. ठीक है, because यहाँ पर आ है many people. Many people है तो were ही आएगा ना, plural आएगा. तो आपका आंसर हो गया ए पार्ट. Much villagers. Villagers क्या है? Countable noun. और countable noun के साथ much नहीं आता है, countable noun के साथ many आता है. तो मच की जगह क्या आएगा? मैनी. मैनी विलेजर्स अटेंडेड. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए. नेक्स्ट. प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव. यस, खेलना सबको बहुत पसंद है. इसमें प्लेइंग ना जेरन का काम कर रहा है. जेरन होता है, वैसे प्लेइंग एक वर्ब होता है, बट कभी भी कोई भी वर्ब अगर एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्विमिंग करती हूँ, तो स्विमिंग इसमें वर्ब है. बट अगर मैं बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें जो स्विमिंग है वो नाउन का काम कर रहा है. तो जब भी आईएनजी वाले वर्ड्स, आईएनजी वाले वर्ब्स नाउन का काम करते हैं, उनको बोलती हैं जेरंड्स. तो प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव. प्लेइंग क्या है हमारा? जेरन. जेरन कौन से होते हैं? जितने भी, जैसे मैं बोलती हूँ स्विमिंग, स्विमिंग तो यू नो इज अ वर्ब, बट अगर मैं बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अब इसमें जो वर्ब है वो नाउन का काम कर रहा है. तो जब भी आईएनजी वाला वर्ब नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेरन. तो यहाँ पर भी है, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द, मैंने आपको बताया था ना, वन ऑफ द के आगे हमेशा जो नाउन है वो प्लूरल होगा. तो थिंग नहीं होगा, थिंग्स होगा. तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है बी. ठीक है. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे अराउंड 60% ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years हैज बीन इम्यूनाइज्ड. भाई 5 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबको वैक्सीनेशन दे दी गई है. ठीक है, ये रीसेंट सर्वे है. तो जो आपका रीसेंट सर्वे वो यही शो कर रहा है. तो आप इसकी जगह कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रेन है. 60% कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी परसेंटेज कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होती है. तो चिल्ड्रेन क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल, हैव. ठीक है, सो आंसर है आपका सी पार्ट. नेक्स्ट. माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, नो एरर्स. देखो माई विजिटिंग टू, या बोल तो माई विजिट टू माई फैमिली, तो आर तो नहीं आएगा ना, इज आएगा. क्यों? फैमिली. फैमिली क्या है? एक है. तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर. दैट्स इट. सम पीपल, अरे पीपल तो है ही प्लूरल, ये आपका सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, तो आपका जो वर्ब है वो भी इज नहीं हो सकता, क्या होगा? आर. तो आपका आंसर हो गया ए पार्ट. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी नाइसली. आई होप
आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन ज़रूर दूंगी, आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूंगी। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।